भाई कर्ण पिशाचनी से रिलेटेड आप एक और एंटिटी की आप बात कर रहे थे जिनकी आजकल हाँ भाई इनके बारे में बताओ ना भाई आजकल ना ये ट्रेंड में है और अभी भागेश्वर धाम में एक वायरल हो रही है वीडियो वो एक बंदे को बुलाते हैं और कहते हैं तू धूमावती देवी का की साधना कर रहा है ना गलत कामों के लिए अच्छा हाँ तो धूमावती देवी है ये दस महाविद्या दस महाविद्या यानी कि काली के जो दस दस अवतार थे ना उनको दस महाविद्या कहा जाता है उसमें सेवंथ नंबर पे आती है धुमावती देवी अच्छा और इनकी ये काले जादू के लिए ये नहीं ये अच्छे कामों के लिए बनाई गई थी लेकिन आजकल लोग यूज जो इनको साधना कर रहे हैं इनको बुला रहे हैं वो अलग चीजों के लिए अब ये जो अगली और गंदी बद्दी चीजों है ना उनका प्रतीक माना जाता है कौवे की सवारी करती हैं ये और बताया जाता है कि ये भूतों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती है गोष्ठ को अच्छा हाँ चाहे वो भ्रम राक्षस हो चाहे वो बेतार हो चाहे वो पिशाच हो चाहे वो प्रेत हो चाहे भूत हो उनको कंट्रोल कर सकती है बहुत अच्छे से अगर आपने इनकी सिद्धि प्राप्त कर ली ना तो आप पैरा नॉर्मल के बादशाह हो अच्छा पैरा ब्लैक मैजिक नहीं आपके आगे फिर <laughs> हाँ ब्लैक मैजिक ना ब्लैक मैजिक के अंदर इतनी ज्यादा आजकल इनकी तमस पूजा करी जा रही है ना जो कि अलग लेवल है इनके रिचुअल के बारे में पता है आपको कैसे रिचुअल तो, पहली बात तो सबसे ज्यादा इस टाइम मंदिर है ना वो बंगाल काशी और झारखंड और बिहार के अंदर है अच्छा सबसे ज्यादा मंदिर इनकी पूजा जब करता है ना बंदा कई दिन साधना लगती है उसको कई रातें जंगल के बिल्कुल कोर एरिया डीप में जाकर या फिर शमशान ऐसी जगह हो जहां पर उसको कोई भी आकर ना उठाए और अगर इसके रिचुअल में कोई गलती हो गई तो आपकी सीधा सीधा जान जा सकती है अच्छा आपको कोई नहीं देखेगा जब आप इसका रिचुअल कर रहे होंगे धूमावती देवी का और धूमावती देवी बेसिकली ये प्रेजेंट करती है कि जो खूबसूरती है ना वो मन में है बाहरी जो है है वो दिखावा है। इसकी प्रतीक भी मानी जाती है देवी बंदे इसको यूज़ करते हैं आजकल फेम नेम, अच्छा पैसों और पावर के लिए पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा धूमावती को सही बताओ क्या बात कर रहे हो जो है उनको सिद्ध करवाते हैं ये आपने कहीं पढ़ा है ये प्रॉपर सारी चीजें लिखी हुई अच्छा अब धूमावती देवी जो है वो बेसिकली करती ही यही है कि किसी और का फेम और नेम छीन के वो आपको दे देंगी बेसिकली बाकी और जैसे कर्ण पिशाशनी हो गई ये हो गई ये आपसे डील करती है डील करती थी जैसे भाई ने बताया बाटर बाटर डील लेकिन ये बाटर डील नहीं करती होता हाँ इसमें बाटर नहीं होता इसमें होता कि वो दूसरों से ले लेंगी जो उनको चाहिए होगा ऑलरेडी ऑलरेडी भाई समझ लो अपना नुकसान नहीं है अपना नुकसान नहीं है इसमें ठीक है सातवें क्या ये ये तामसिक है अच्छा ये सातवीं की नहीं है भाई ये भी खतरनाक चीज़ है वैसे भाई लोग क्या क्या कर रहे हैं यार आजकल भाई ब्लैक मैजिक में सबसे ज़्यादा इस टाइम जो सबसे ज़्यादा चल रही है ना वो इस टाइम धूमावती देवी है बड़े बड़े तांत्रिक ब्लैक मैजिक जो कर रहे हैं वो धूमावती के ऊपर कर रहे हैं और बताया जाता है कि अब देखो अभी मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसे ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता किसी के ऊपर कि मैं भाई के ऊपर आती सीधा ब्लैक मैजिक करा दूं ऐसे तो कोई मोदी के ऊपर करा दे इनके ऊपर करा दे समझ रहे हो कुछ ना कुछ चाहिए होता है किसी का जिससे उसके डीएनए या फिर कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिल पाए जो कि वो कपड़े कुछ, कुछ भी ऐसा चाहिए होता है जिससे वो कंट्रोल में आ जाए बंदा धूमावती देवी क्या करेगी जो भी उसके पास है ना उसका सारा अपने आप जाता रहेगा और जो उसको सिद्ध करेगा उसके पास आता रहेगा भाई ये तो अलग ही बात पता चली और ये अभी एक डेढ़ साल से ज्यादा ट्रेंड में आई है धुमावती देवी भाई ये ट्रेंड में है हम तो पहली बार सुन रहे हैं हाँ। भाई आप देखो इंटरनेट पे बस अब यहाँ नाम ले दिया तो अब ट्रेंड में है वो <laughs> <laughs> यहाँ तो भाई नेगेटिव एनर्जी ट्रेंड में आने नहीं थी तो अब आ जाएगी खंड पिशाशनी क्या होता है ना वो आपसे बलिदान मांगती है हाँ। आपका नहीं ज्यादातर वैसे करण विशास क्या है वो उसकी बीवी या उसकी माँ या उसकी बहन का या। बेटी या उसकी बेटी, उसी के रूप में आती है उसी की बली तो हाँ। माँ के रूप में आई तो माँ के रूप में देनी होगी अलग भाई ही भाई चीज है लेकिन तो धूमावती देवी नई ट्रेंड में है जो की वो तो अपने आप ले लेंगे जिसको जो चाहिए होगा सामने वाले से लेकिन इनको सिद्ध करना ही बड़ी बात है अब जैसे कर्ण शास का सिद्ध बताते हैं कि आपको नॉर्मल एक बंद कमरे के अंदर आपको उनको सिद्ध करना होता है वो सिद्ध हो जाती है ये आपको खुले में सिद्ध करना है खुले आसमान के नीचे जंगल के अंदर जाके और और जब वो आप उसको सिद्ध कर रहे हो तब कोई देखे ना कोई देखेगा तो वो आपकी ही जान जाएगी अरे भाई ये ये फिर रिस्क है इस चीज़ में इसमें ये रिस्क है कोई इंसान ही देख ले कोई जानवर भी देख ले तो वो भी दिक्कत है अब इतनी डिटेल में <laughs> बंदे करने लग जाएंगे भाई जानवर ही <laughs> जाएगा क्योंकि सबसे भाई पिछले वाले पॉडकास्ट में भी अपने बाबा ने पूरा बता दिया बबूल को कच्चा पक्का पकाओ ये करो वो करो बताना नहीं चाहिए छोड़ो बताओ ना बताओ मैंने तो कुछ सुना ही नहीं भाई उस टाइम में नींद में था आप कुछ और ही सोच रहे थे उस टाइम <laughs> भाई सोच रहे थे ये दिख रहे थे? <laughs> मैं भाई को देख रहा था मैं भाई को देख रहा था और भाई मुझे देख के हंस रहे थे <laughs> लेकिन भाई ये सोच रहे थे कि ये दिखाएंगे कब भूत भाई, दिखा का, दिखा का दिखा आपका भाई, भाई मेरे दिमाग में तो यही था लाइव क्या होगा यार मेरे दिमाग में तो यही था भाई लेकिन एक बारी को जब लाइव जब हो रहा था ना तो एक बारी को आ गया था कि कुछ सीन उस टाइम भी सस्पेंस बन रहा था बट एंड रिजल्ट इतना वो नहीं आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बेसिकली पता है क्या अब मैं लोगों को थोड़ी सी एक चीज और बता दूं

इस चीज का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तभी बजरंग बाण का वो कंज्यूम करें क्योंकि उसमें आप सीधा सीधा हनुमान जी को शपथ दे रहे हो श्री राम की हाँ। वो काम करने के लिए तो आप उसको डेली कंज्यूम ना करें भाई सबसे बेस्ट है हनुमान चालीसा पढ़ लो सबसे बढ़िया हनुमान चालीसा लेकिन बजरंग बाण और बजरंग अष्टक का एक जो अच्छी चीज है ना वो ये है कि जब तक आप उसको मुंह से नहीं बोलोगे ना तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं करेगा आपके ऊपर सुन लो आप भले अब इसमें आ जाता है काल भैरव तंत्र वो क्या है भाई जी काल भैरव तंत्र भाई एक ऐसा तंत्र है ना जिसको सुनने भर से ना चीजें आपकी लाइफ में जो है ना नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगी अच्छा सिर्फ सुनने आ, से सिर्फ एक सुनने एक से उसकी जो धवनिया है ना वही ध्वनिया जो है स्पेसिफिक है ना अब जैसे ओम नम शिवाय के बारे में आपने सुना है ओम नम शिवाय जो ये ध्वनि है इसी से पूरा ब्रह्मांड बना है यही क्रिएशन है पूरे ब्रह्मांड बिल्कुल सारा जो है खेल साउंड का ही है तो ऐसे ही जो काल भैरव तंत्र है ना इसको सुनने भर से है ना अगर आप दिन में दो टाइम सुनो आपकी सारी चीजें आपका स्ट्रेस लेवल आपकी सारी चीजें सही होती चली जाएंगी ये ट्राई कर लेना हर कोई बंदा काल तंत्र दो बार सुनेगा ना उसकी लाइफ से है ना ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी बहुत दूर चली जाएगी चलो ये तो एक अच्छी चीज कर ये, है ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं और ये करने वाली भी चीज है भाई अच्छा हमने स्टार्टिंग में बात करी थी क्योंकि आप कॉन्स्पिरे पे भी बहुत ज्यादा रिसर्च करते हो और हमने लास्ट टाइम इल्यूमिनाटी की भी बात की थी हाँ, और हमने चाइल्ड फैमिली की बात बात हाँ, थी। वो वो बात करते भाई हमने इंट्रोडक्शन में बोला था कई लोग वेट कर रहे हैं कि वो बात कब आएगी दीप भाई क्या बताएंगे उस पर भाई क्या फैमिली है ये कुछ है भी या नहीं भी बताओ है तो भाई फैमिली इनके जो मेम्बर्स है उनके इंटरव्यू सामने आ गए हैं तो देखो आप इंटरनेट पे है मैंने मैंने देखा है इसके बारे में तो वो क्या कहते हैं है हमा, हमारा ही पैसा ही है जो पूरी दुनिया यही तो नहीं कहते क्या कहते हैं देखो पूरी दुनिया में ढाई सौ ट्रि, ट्रि, ट्रिलियन डॉलर है पूरी दुनिया में लेकिन ऐसे क्लेम करते हैं है छो ट्रिलियन डॉलर सिर्फ के पास में और अभी तक देखा जाए तो कोई एक पर्टिकुलर एक बंदा ट्रिलियनर नहीं बना है नहीं बना और ऑफिशियली बेसिकली और इनके पास ये ऑलरेडी अपने आप को काउंट करते हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं बच नहीं पाए मैं बता देता हूँ उसका क्या सीन था 1837 में ना बहुत तगड़ी क्राइसिस आई हाँ थी अमेरिका के अंदर कॉटन और कोयल का जो बिजनेस है ना वो बिल्कुल ठप हो गया था अनएंप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा अच्छा और यही सेम हुआ स्वीडन के अंदर तब इस कंपनी ने ना सारी कॉटन और कोयल के शेयर्स को खरीद लिया था और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बार दोबारा उठा दिया था तब इनका जिक्र कहीं ना कहीं और नाम सामने आया था अब बताते हैं कि जो टॉप टेन कंपनीज है ना इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की उसमें से एट टॉप टेन कंपनीज में इनके शेयर्स हैं अच्छा ये कुछ भी रिवील नहीं करते हैं सामने एलोन मस्क हो गया और आपके और भी बड़े बड़े अंबानी हो गए और वो थे जो जुकरबर्ग और बिल गेट्स बिल गेट्स, Bill गेट्स।, Bill गेट्स। इन सबका पैसा भी मिला के उनको पता नहीं कितनों से इंटू कर दोगे तो भी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा और कहा जाता है वर्ल्ड वॉर टू में इनकी पूरी की पूरी जो वो थी जो इन्होंने ही पैसे सप्लाई करे थे और जो जापान का एक बार परमाणु वो हुआ था उनमें भी इनका हाथ था जो हुआ था हाँ और साफ साफ एक बुक है इनकी नाम भूल गया मैं उस बुक का जो कैनेडी के ऊपर डेथ के ऊपर बनी हुई है उनकी कॉन्स्पिरेसी में साफ साफ हाथ है रॉथ्स चाइल्ड फैमिली का जो जॉन एफ कैनेडी की जॉन एफ कैनेडी की, की जो हत्या हुई थी अब वो

तब जाके इतना बड़ा ब्रांड ब्राउंड लग रहा है ये ये फैमिली फैमिली है ये फैमिली यही है चाइल्ड यही और बहुत सारी ऐसी चीजें थी मेरे को जो डाउट मेन होता है ना वो डाउट मेन तब होता है जब टाइम टू टाइम आप इंटरनेट पे इनके बारे में खंगालते रहोगे आप जैसे एक बार आपने किसी ने पढ़ा नॉर्मल जर्नली पढ़ा और छोड़ दिया चल ठीक है फिर वो गायब हो जाता है हर छह महीने में कुछ ना कुछ अलग है इंटरनेट से वैनिश करी जा रही है चीजें क्यों ये डाउट देता है मन में भाई सही कह रहे सोचने वाली बात है भाई। कि इंटरनेट से चीजें क्यों उठाई जा रही जैसे मैंने पहले के बारे में बहुत सारी चीजें बताई तो शैतान से रिलेटेड थी लेकिन आज के टाइम पे आप तीन साल पहले पूरे प्रॉपर लिखा हुआ था कि ये शैतान से रिलेटेड चीजें हैं ये वो जो लूसीफर है यही है आज आप देखोगे तो कुछ नहीं है तो स्पे खत्म लेकिन इलुमिनाती को आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर तक केसेस इलूमिनाती के गए हुए हैं इलूमिनाती को एक बार यूरोप के अंदर बैन करा हुआ है कोर्ट ने अच्छा तो भाई कोई तो बंदा आगे आया होगा कोई तो कुछ होगा बैन करी होगी तभी कुछ तो है कुछ तो कुछ है भाई है। तभी जाके इतनी सारी चीजें निकल के आई हैं और भी कोई बात आपको नहीं पता चली हो कुछ बस भाई इस फैमिली के बारे में ना बहुत कम यही है कि इसके शेयर होल्ड कितने हैं और कैसे ये रूल करती है और कैसे राष्ट्रपतियों तक को स्प्लिट करा देती है अभी बहुत ज्यादा नाम आ रहा है जो रशिया से वॉर चल रही है यूक्रेन यूक्रेन की बार बार नाम आ रहा है जैलेंस्की का जैलेंस्की का लेकिन बार बार नाम आ रहा है कि अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है हा, हा, हा। लेकिन आप अगर इंटरनेट पे देखोगे ना तो कई बंदे ये भी बोल रहे हैं कि रॉस चाइल्ड फैमिली ही उसको हथियार और पैसा प्रोवाइड करा रही है बट ये फैमिली की जो ओरिजिन है वो है तो यूके की यूके की नहीं है यूरोप की हाँ मतलब उसी का पार्ट स्वीडन 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 की है और ये स्वीडन में ही अपना सारा रूल करते हैं जब स्वीडन के बैंक बहुत ज़्यादा क्रैश होने शुरू हुए थे ना एक टाइम पे स्वीडन का रूल ये था अभी आप देखते होंगे कि आज से आप 20 साल पहले चले जाओ गाड़ियां ज्यादा नहीं बिकती थी हमारे यहां पर भी लगा लो वो इंडियन बैंक के भी रूल थे लोन इतनी आसानी से नहीं मिलते थे और इंडियन बैंक भी लोन नहीं बैंक लोन नहीं दिया करते थे उस टाइम पर ऐसे ही किसी को भी आज आप जाओ आप साठ हजार रुपये भर के स्विफ्ट उठा लाओगे यूं बैंक लोन हो जाएगा उस टाइम पर स्वीडन बैंक लोन नहीं दिया करती थी उनका फायदा सीधा सीधा रॉल चाइल्ड ने उठाया आज के टाइम पर स्वीडन की रेलवे और ऐसा कहा जाता है ना कि ये पूरी अर्थ पे हर एक मतलब नेशन को 80%, 80 दुनिया में अगर सौ परसेंट पैसे है ना तो पैसों पे इनका शेयर होल्ड है भाई बताओ यार, फैमिली है यू फैमिली है ऐसी तंत्र शैतान है क्या है ऐसा तंत्र मंत्र करो अगला जन्म उसी फैमिली में सीधा और एक बात और बात एक भाई याद किया जब इस फैमिली के फो चौथे जो एंसेस्टर थे वो क्या करते हैं वो एक रूल बनाते हैं कि इन ब्रीडिंग ही होगी इस फैमिली में ताकि इस फैमिली का पैसा बाहर नहीं जाएगा इन ब्रीडिंग वाला यानी कि जो इस फैमिली की औरतें या लड़कियां होंगी वो इसी फैमिली के लड़कों से ही शादी करेंगी बट भाई ये बायोलॉजिकली पॉसिबल कैसे है क्योंकि भाई बायोलॉजिकल पॉसिबल ना हो लेकिन ये चीज लिखी हुई है इंटरनेट पे उन्होंने रूल उन्होंने है। अपने कजन और अपने भाइयों से ही शादी करवाई ताकि इस फैमिली की वेल्थ बढ़ती रहे अच्छा भाई बहुत तगड़ी बातें हुई इस पॉडकास्ट में पर मैं चाहता हूँ इसका एंड भी एक धमाकेदार नोट पे हो मैं चाहता हूँ आप बताओ जैसे बहुत सारी ना चीजें जगहें ट्रेंड में आ जाती है जैसे भांगर फोर्ट आ गई या कुछ आ गई बहुत लोगों को फील होता है बहुत जगह पे नहीं होता कई जगहों की ऐसी हाइप बन जाती है कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ की बहुत हाइप डब जगह आप गए हो कुछ हुआ हो कुछ बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल हुआ है बिल्कुल हुआ है मैं बताता हूँ क्या है देखो पहले तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी जगह की जैसे हर टाइमिंग होती है ऐसा भी हो सकता है आज मैं आपको भानगढ़ लेके कुछ ना दिखे इसका मतलब मैं कुलधारा गया बैठा रहा। मैं चूतिया तरह। कुछ नहीं। आपने पूरी रात निकाली वहां पे कुलधारा में पूरी रात भाई क्या बात कर रहे ऐसा कहते हैं इंडिया में किसी ने निक, निकाली पूरी भाई रात वीडियो है रात से लेके सुबह है भाई अच्छा कौन कहता है ये कि पूरी रात नहीं निकाली किसी ने सुना ही है कि जो हाँ, सब यही नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं उनकी टीम भी आई थी गौरव तिवारी भाई की टीम भी आई थी वो भी कह रहे कि पहली बार हमें फील कुल धारा में हुआ था कि वहां तो कुछ पक्का है एनी भाई भाई भाई, बात हाँ, नहीं करना हाँ, चाहता कुछ हाँ, लेकिन मैं पूरी रात बिताई है और जहां तक कोई बड़ी से बड़ी टीम ना पहुंच पाई हो ना मैं उस गाँव में भी गया हूँ क्योंकि कुल धारा से रिलेटेड चार गाँव है और एक गांव है कुलधारा दूसरा है लुधरा जो नंबर सेकंड जैसलमेर का हंड्रेड प्लेस है वहां तक कोई नहीं गया आज तक मैं वहां पर भी गया हूँ आपको फील नहीं हुआ मेरे को फील नहीं हुआ जहा नहीं फील हुआ वहां नहीं फील हुआ तो अब एक जगह थी भाई दिल्ली की मेहरोली में अब हमें बहुत सारे मेल्स आते हैं और बंदे हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं भाई आप यहाँ करो एक बार तो कहा भाई चलो यहाँ आते हैं वो महल है प्रॉपर बना हुआ एक और थोड़ी सी हाइट पे है आपने जमाली कमाली ज़रूर सुना होगा कुतुब मीनार सुना होगा हाँ हाँ हाँ। उससे एक किलोमीटर की दूरी पे एक महल है अब हम वहाँ पहुँचे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं रात को सीरियस बारह एक बज गया है और सीरियस भाई एकदम कि हमने लगा रखे हैं मोशन सेंसर्स नाइट विजन कैमरास सीरियस इन्वेस्टिगेशन चलो कुछ ना कुछ तो निकलेगा हाँ सॉरी टीम्स लगा के बहन कि ये है भाई मेन हॉन्टेड प्लेस और मेन हॉन्टेड जगह मैंने कहा देखते हैं सबकी नजर यूं मुझे पीछे से आवाज आती है कुछ हैं। है? <laughs> ऐसे की की भाई एक औरत प्रॉपर यू देखा उसने ग्रिल पे हमें और यू अच्छा भाई, भाई पटके आते में आ गई तेरी मैंने अपनी टीम से कहा भाई पीछे पूछा आराम से देखना ये देखते मेरा कुछ ना भैया यार मैंने कहा है भाई मान लो बात कुछ है पीछे फिर देखते हम फिर वो भाई उसने यूं झाका अरे यू दूसरी बार दूसरी बार सब के बैठ दो मुँह दौड़े हो गए ये कहते मेरे को चले भैया <laughs> <laughs> भाई वहां चलेंगे पहले देखिए है क्या ड्रामा साड़ा अब हम पहुँचते पीछे से महल के साइड साइड से एक और चबूतरा सदा पहुंचे उधर भाई एक बंदी खड़ी मिनी स्कर्ट अच्छा। वाइट कलर की उल्टी बाल यहाँ तक उल्टी खड़ी है ऐसे और आप मतलब आप उसके पीछे हो है। हाँ हाँ मना कर कौन है कुछ नहीं बोली पत्थर पुत्र है इसके मार देख है क्या है ड्रामा पत्थर आर पार जाएगा क्या हो रहा है <laughs> या लग के रुकेगा भाई आ, क्या होगा मिनी स्कर्ट में हाँ मगर थोड़ा भूत के भी भाई नए ट्रेडिशन है पूरे अच्छा रंग व्हाइट है लेकिन ये रंग वाइट भाई प्रॉपर तो उस टाइम दो।, दो अच्छा दो हाँ अब हम गए भाई उसने जैसी मुझे देखा किन्नर थे अरे अच्छा क्या कह रहे हैं आपसे <laughs> आप क्या बोला <laughs> आपने क्या बोला पहले बताओ गाली ला... दी आपने क्या पत्थर मारा क्या मैं, मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो कहती पांच सौ दे डाल दे औरे, <laughs> औरे, क्या बात कर रहे हो लोकेशन पे जा मोशन सेंसर लग रहे हैं हाँ हाँ भाई रात के एक बजे बंदा <laughs> <हैं> ना बंदे की <laughs> जात कहती पांच सौ दे अंदर डाल दे अरे बाप रे बाप रे फिर आपने क्या बोला मगा भाई बस <laughs> भाई ने वॉलेट खोल दिया ना 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 पांच सौ बताऊंगा उसको उसका भी बताऊंगा उसका भी बताऊंगा राकेश भाई थे हमारे साथ हाँ राकेश भाई कह रहे मैं आगे आ रहा हूँ राकेश भाई कह रहे पेटीएम नंबर क्या आपका बा, 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 बा भाई इतने पूरे दिन नहीं आए हमारे हाँ। हम हाँ। 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 हाँ चल दिए भाई वापसी गाड़ी वाके देखा तो राकेश ही नहीं बस वहां मगर तो राकेश कहा रह गया भाई राकेश आ रहा पेंट सब कह भैया मजा आ गया लोकेशन सक्सेसफुल थी सच है भाई राकेश भाई को मजा मजा कर रहे मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ यार बाकी ऐसी लोकेशंस पे ये चीजें भी बहुत ज़्यादा होती हाँ। है। और एक टाइम पे ये सबसे ज़्यादा चीजें होती थी जो दिल्ली की नंबर सेकंड प्लेस कोई आए ना नहीं नहीं अंदर जंगल सा है। हम गए हो तीन चार मिनिस्ट में अरे भाग जाए क्या ड्रामा है आवाज भी ऐसी हसे वो सारे डराते थे जानबूझ के हाँ हम फिर लाइट मारा ही अरे फिर भग जाए यार ये क्या है इन्हें देखो हाँ। इन्हें पकड़ो देखो हाँ दे। दे। इन्हें यही करवाएंगे पाएंगे साड़ों के <laughs> अपने तो फिर भाई यही था मैं <laughs> मैं इनकी यही करवाई साड़ों की <laughs> पकड़ लिया अरे भाई वहां गए हम तो ढेर लगा रखा कॉन्डम्स का पूरा मार्केट से कॉल रखी है मना कर यहाँ बेचो तुम फिर क्या कह रही वही पांच सौ दे <laughs> अंदर डालो अरे <laughs> तेरी भाई भाई ऑनटेड लोकेशन पे ऐसे भी काम भी होते हैं भाई किसी ने जनता में से उम्मीद नहीं करी होगी कि ऐसी बात भी निकल के आ जाएगी और भाई या तो हो सकता है जनता के है। साथ ये हुआ हो जो जिसने आपको बताया है उनके साथ ये हुआ हो और वो आपको कह रहे कि भाई वहां जाओ बता दूं सच्चाई चलो लो सुनो हाँ मैं तो ऐसे बंदे है भाई जानते हैं हम वहाँ कच्चा ऊपर करता हुआ एक बंदा तू भाई अरे भैया कर... आपकी वीडियो देखी थी अच्छा। <laughs> अरे तेरी। बस ऐसे ही मजे लेने को चाहते हैं वो कि आप आ जाओ नहीं नहीं हैं। सीन बिठा रहे हैं वहां वो और वो देख रहे कि दीपक भाई क्या कर रहे हैं यहाँ अच्छा दीपक भाई आप भी थे अब वो सोच रहे साहब ना दीपक भाई का ऐसे नहीं आए भाई दोनों दीपक भाई थे वर्मा जी की बात हो रही है ना, ना ऐसे दिन नहीं आए भाई अभी अभी तो भाइयों का प्यार है कोई दिक्कत नहीं है